हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, जय श्री श्याम एंड जय माता थी। यहाँ पे प्रियांश के स्कूल के बाहर का भी व्यू देखो, इतना सुंदर है। ये परसों का वीडियो है, बहुत सुंदर व्यू था, पत्ते झड़ रहे थे। तो जी लो, आ गया प्रियांश, लच्चर हो रही है लाइट, पार्सल भी आ गया हमारा। ने बेड तेरा साफ सूफ करके गई थी मैं, तुझे ऐसा पसंद है ना साफ सुथरा बेड। ये बेड और चादर, इसको साफ सुथरी चाहिए। मैं पूरा रूम सफाई करके क्लीन करके गई थी, पूरा रूम। चलो वो तो मैंने ऐसे ही लगा दिया, यहाँ देखो सारी डस्टिंग किया आज मैंने पूरा। कोई बात नहीं, वो तो ऐसे ही रख दिए मैंने, इधर से भी सारी साफ कर दिए पूरी। आज मैंने शूट नहीं करा, पर आज मैंने पूरा क्लीन करके गई थी मैं सारा केवन के किचन भी। तो अभी ये आज के दिन की वीडियो है, ये मैंने पहना था। ये ना मेरे पास एक टॉप रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, जब मैं लुधियाना में थी, दीपक के साथ रहती तब के टाइम का ये टॉप है मेरा। तो मैंने सोचा, मेरे पास ब्लाउज़ नहीं मिल रहा था साड़ी का, कोई भी ब्लैक ब्लाउज़ या कोई भी ब्लाउज ही नहीं मिल रहा था, पता नहीं कहाँ रख दिए। तो इसने मैंने सोचा चलो मैं ये टॉप ही वेयर कर लेती हूँ। और मेरे पास ये स्कर्ट नहीं थी, ये है साड़ी शेपर, जो कि ये भी मैंने अमेज़ोन से मंगवाया हुआ है। साड़ी भी मेरी अमेज़ोन से मंगवाई हुई है, ये अभी स्टिच नहीं थी, नई साड़ी है, बिल्कुल स्टिच नहीं करवाई है। ये जो ब्लाउज़ का कपड़ा है वो भी बीच में ही है, ये जो आप देख रहे हो ना प्रिंटेड सा, वो ब्लाउज़ का था। तो मैंने इस तरीके से फिर डबल करा उसको, अंदर की तरफ लिया ब्लाउज़ को। और ये आप बोलोगे अभी ऐनक क्यों लगाई हुई है, मैंने आँखों पर लगाई हुई थी, तो जब मैं कपड़े पहनने लगी तो फिर मैंने इसको ऐसे बालों में लगा लिया, तो वो ऐसे ही लगी हुई है और अच्छी लग रही थी। वैसे ये टॉप मेरे पे साड़ी के साथ काफ़ी ज़्यादा खिल रहा था, साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैं कंफर्टेबल नहीं थी साड़ी वगैरह में। ये वैसे मेरी प्रिंटेड साड़ी है, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी है या मोटी है, हल्की साड़ी है, प्रिंटेड साड़ी है, धागे का वर्क है इसमें, पर इतना प्रिंटेड नहीं है, सॉरी ये धागे का वर्क है इसमें, पर इतना ज़्यादा ये ओवर नहीं लगती है साड़ी, अच्छी है। और काफ़ी ज़्यादा इसमें जो स्किन टोन है वो फेयर लग रहा था मेरा। मुझे एक्चुअली आप सोचोगे कम भी साड़ी क्यों बांधी है, तो मुझे आए थे कमेंट्स, आए थे बहुत टाइम से आ रहे हैं कि साड़ी में ब्लॉग बनाओ, एक ब्लॉग साड़ी में बनाओ। तो मैं हमेशा बोलती थी कि मैं बनाऊंगी बनाऊंगी, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता था, इसलिए मैं बना ही नहीं पाती थी। सो आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं बना ही देती हूँ एक वीडियो, और फिर मैंने फटाफट से वीडियो बनाई। और देखिए मैं इतनी सुंदर लग रही थी इसमें ब्लैक कलर में, मेरे पास मोस्टली ब्लैक ही है कपड़े सारे। और यहाँ पे आप देखोगे थ्रेड वर्क है, ये पूरा थ्रेड वर्क है इसके ऊपर, साड़ी के वर्क प्रिंट नहीं है, थ्रेड वर्क है ये, सिर्फ बॉर्डर होगा शायद प्रिंटेड, बाकी सारा थ्रेड वर्क है इसके ऊपर। और बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी ये थ्रेड वर्क की ये साड़ी। और साड़ी सेट ही नहीं हो रही थी, मैं मेरे को अभी काफ़ी टाइम से बांधी नहीं है ना, मैं तो बनवा लेती हूँ साड़ियाँ जैसे हुक वगैरह लगवा के, तो रेडीमेड बनवा लेती हूँ ताकि मेरे को कहीं आना जाना हो तो मैं फटाक से पहन लूँ। ये साड़ी मैंने बनवाई नहीं थी, दो चार साड़ी ऐसी हैं सिंपल सी, वो मैंने बनवाई नहीं है, पार्टी वेयर तो साड़ी मैंने बनवाई हुई है। तो अभी पार्टी वेयर साड़ी हैवी हैवी पहन के मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं, मैं सच्ची बताऊँ, मुझे हैवी साड़ीज़ और बहुत ज़्यादा मतलब वर्क वर्क किया होता है तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मैं बिल्कुल सिंपल सोबर साड़ियाँ मुझे अच्छी लगती हैं, या फिर ऑर्गेन्जा की जो प्रिंटेड साड़ीज़ होती हैं वो अच्छी लगती है, और जो सिल्क में प्लेन साड़ी होती है वो अच्छी लगती है। तो मेरे को ये जो होता है ना वर्क वर्क वाली जो साड़ियाँ होती हैं वो मेरे पास है हैवी हैवी, पर मैं पहनती नहीं हूँ उनको, क्योंकि देखो जब आप आपके हस्बैंड साथ हो ना तभी अच्छी लगती हैं। बिट्टो सो जा। तो अभी आप सोच रहे होगे मेरे पास कौन सा बच्चा है जिसको मैं चुप करवा रही हूँ, तो आगे व्लॉग में आप देख लेना कि कौन सा बच्चा है मेरे पास। इस बच्चे के लिए मैं आई हूँ, अभी मैं अपने घर चली गई थी, बट अभी फिर मैं मम्मी के घर आई हूँ, सिर्फ यही छोटा मुन्ना गोल गोल उसी हमारी आ गई थी, इसलिए नहीं हो रही है, बस जैसे तैसे करके मैंने थोड़ा सा बांध ली है, बस पता नहीं कैसी बन रही है कैसी नहीं, इतना परफेक्ट नहीं आ रही है सेट, मैंने जैसे तैसे करके बांध ली है। और इयर रिंग्स मैंने ये वाले डाल लिए, दिल तो कर रहा है नेक पीस भी डालूं, पर फिर सोचा कि चल घर पे तो रहना है। सो कैसी लग रही हूँ मुझे बताना गाइस कमेंट करके आप लोग। तो अभी मैं बना दूँ चाय, अब चाय मांगे जा रहा कब से। सो
गाइस मैंने सारी वेयर कर ली है, जैसे तैसे करके मैंने वेयर कर ही ली, और अभी एक बिंदी की कमी है, रेड बिंदी। कैसी लग रही है बताना, रेड बिंदी। तो कानों में भी एयरिंग चेंज करते हैं, कोई और पहन लेते हैं, ये मैचिंग नहीं हो रही, ये मैचिंग। बोल रहे थे कि कुछ कुछ नया नया कुछ देखना चाहते थे, तो फिर पर ये बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं मुझे। चल मैं कोई देखती हूँ इयरिंग्स अपने, कोई और फिर आपसे मिलती हूँ। प्रियांश मांगने लग गया था चाय, तो फिर इसलिए मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। और अच्छा लग रहा है वैसे, है तो टॉप लेकिन ना ब्लाउज जैसा ही लग रहा था, थोड़ा सा मैंने फोल्ड कर लिया अंदर को, बस ये स्लीवलेस से टॉप है ये, लेकिन बहुत अच्छा ये टॉप है। अगर आप इसके साथ स्कर्ट वगैरह वेयर करने में कंफर्टेबल हो ना, तो फिर तो ये अमेजिंग लगता है, उसके साथ जीन वेयर की हो बहुत अच्छी लगती है। और देखिए मेरी चाय में वो उबाल आ गया, आज मेरे पास दूध कम था थोड़ा सा, तो मैंने दूध कम डाला चाय में, तो प्रियांश बोलने लगा कि मम्मा मुझे चाय अच्छी नहीं लग रही क्योंकि दूध कम डाला था, इसलिए उसको चाय नहीं अच्छी लग रही थी। दरअसल ना मैं मीठा कम डालती हूँ अब चाय में, तो मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि अच्छी नहीं लग रही चाय। अभी देखना साड़ी, आप मुझे बताना ये खुले पले की अच्छी लगती है या बंधे हुए, जैसे मैंने बांधा हुआ है पल्ला ऊपर, ऐसी अच्छी लगती है, पर अच्छी बहुत लगती है। एक इस तरीके के अगर हम ब्लाउज़ भी सिलवाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लासी लुक आती है ऐसे ब्लाउज़ के साथ, तो वैसे तो मुझे अच्छा लग रहा था, बाकी आप लोग बताओगे आपको अच्छा लगा या नहीं। कुछ नई क्रिएटिविटी की है तो आपको पसंद आनी चाहिए। और अभी किचन भी मेरा आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने सारे घर की साफ़ सफाई कर दी है, कपड़े भी वॉश कर दिए हैं, कपड़े सुखा भी दिए हैं। फिर मेरे पास बच्चे आ जाते हैं, नीचे वालों के जो बच्चे हैं ना, युग और रेहान, तो वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मासी मासी करते रहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे मुझे इतना प्यार करते हैं। बच्चे सभी मेरे साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं, पता नहीं मेरा नेचर ही ऐसा है, बच्चों के साथ मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। तो अभी मतलब चाय बना के बस मैं लेके जा रही हूँ, और युग आ गया था मेरे पास अपनी वीडियो अपलोड करवाने के लिए। क्या था चीनो, बड़ा गंदा टेस्ट है चाय का, और चाय का बड़ा गंदा टेस्ट है, चाय में दूध कम डाला, मैं दूध कम था इसलिए बोला गंदा टेस्ट है चाय का, देख लो लग रही हूँ चीनू। अब तो मैं बिखर गई सारी, गाइस कैसी लग रही हूँ मैं बताना आप लोग मुझे। लोग मुझे अगर ऐसे देखेंगे ना, लोग कहेंगे पागल हो गए, क्या हालत बना रखी है इस लड़की ने अपनी, इसकी हालत बुरी है। दिल तो ऐसे करा एक बार ऐसे जाऊँ साड़ी में, देखो अब शीशे में मेरी कितनी हाइट है, ये देखो शीशे में कितना बड़ा लग रहा है दिखने में, तो बड़ा ही है मेरा प्रॉपर का हो गया। अब इतना बड़ा लगने लग गया ना मैं इससे, दिल तो ऐसे कर रहा है भी बना यही पहन के चल जाऊं, फिर मैं काला बेइज्जती होएगी घर जाऊंगी तो, काले काले क्या बेइज्जती होएगी, क्या क्या बनी हुई है तू। हाँ इन्होंने इन लोगों ने मेरी बेइज्जती कर देनी है, तो इससे अच्छा है बैग उठा अपना। आज ना मुस्कान आई है उधर मम्मी के घर पे, तो वो बोल रही है कि तू दीदी इधर आ जा, आज मैं इधर ही सोना है। आशु भी आई है हमारी छोटी सी गुड़िया, हमारी लग गई बच गया। आशु आशु भी आई है, ऐसे कर अब अगर जा रहा है ना बाहर से सारे कपड़े इकट्ठे करके ले आ जो सूख रहे हैं, ये ले ये ले ये ले ये ले, इजी हो जाएगा इसमें भर के ले आ सारे कपड़े, ठीक है दस रुपए जैसे मुझे वीडियो से दस दस रुपए मिलते हो है। अभी हमें फ़ोन आ गया था जब हम काम वाम कर रहे थे, तभी फ़ोन आ गया मुझे, मैंने सोचा एक दो रील्स वीडियो भी बना लेती हूँ, साड़ी पहनी हुई है आज तो। फ़ोन आया था मम्मी का, मम्मी कहते थे उससे कोई मिलने आया, मैं मुझसे मिलने कौन आया, तो फिर वीडियो कॉल की मम्मी ने। वीडियो कॉल जब मैंने उठाई तो मुस्कान और मुस्कान की बेटी थी आशु, तो
तो हमारी आशु को देख के मम्मी कहती है भी तेरे लिए तो ये आए हैं दीदी से मिलने के, तो तू चली गई है प्रियांश को लेके आ जा। तो फिर मैं प्रियांश को लेके आ गई थी और मम्मी के घर चली गई थी। यहाँ पे मैंने कपड़े वॉश किए थे ना, तो मशीन में मैंने पानी रखा था क्योंकि मैंने जो सुबह सूट उतारा था और प्रियांश का भी था एक, तो मैंने कहा चलो वो भी मैं वॉश कर दूँगी। पर फिर मम्मी का फ़ोन आ गया तो मैंने फिर मशीन है जो वॉशिंग मशीन वो खाली कर दी। और अभी बस हम लोग प्रियांश अपना बैग पैक कर रहा है, बैग में जैसे अपनी यूनिफॉर्म वगैरह डाल रहा है कि मम्मी कहते हैं यहीं से हो जाना, यहीं से जो है वो स्कूल चले जाना, उसको यहीं से स्कूल भेज देना प्रियांश को, मम्मी बोली। प्रियांश को बिल्कुल भी मेरे पे साड़ी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं सच्ची बताऊँ दीपक को मेरे पे साड़ी सूट बहुत अच्छे लगते थे, प्रियांश को साड़ी अच्छी नहीं लगती, गगन को भी साड़ी अच्छी नहीं लगती थी। तो साड़ी पहनी आज पूछा प्रियांश कैसी लग रही हूँ, बोला अच्छी नहीं लग रही है, सीरियसली उसने यही बोला अच्छी नहीं लग रही है। ये देखो आशु आ गई हमारी, आशु हेलो, आशु आशु हाय कर दो का, सोना नहीं है, सोना नहीं है, ले फिर सोन लग गया तो काका फिर सोन लग गया उठ के, उठ 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 रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा री शाम में वीडियो बना लेंगे हाले गुन्ना मेरा मुन्ना नहीं दिखाई शिन्ना शो ही है मेरे चोचलू दिख भी रहे हैं, दिख ही नहीं रहे, तू नहीं दिख रही है, तो दिख रही है ये मैं दिख रही है हाँ। तो फोन बहुत ही ला देता है, तो फिर सो गई भाई ओके फाइव तो हो गए, दवाई खा के सुत्ता पे काका। ओ अच्छा 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 ठीक है सो जा, डिस्टर्ब ना करो भाई, डिस्टर्ब ना करो।